गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक नए तरीके से मैंने गुलाब की कलम लगाई थी जो कि बहुत सक्सेसफुल हुई है। देखिए, ये करीब 12 दिन में इसका रिजल्ट ऐसा है कि पत्तियां आ गई हैं। तो अपने वादे के मुताबिक आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे ये सक्सेस हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों को ऐसी कलम छांटना है जिसमें से बड अभी अभी स्टार्ट हुआ हो। जैसे इनमें तो बहुत दिन हो गए हैं तो ये अभी कलम यूज नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बड हमको मिल जाएगी जैसे कि एक ये वाली है। इसमें देखिए, ऊपर बड अभी अभी स्टार्ट हुआ, एक ये और एक वो सबसे ऊपर वाली, ये वाली। ये दोनों कलम को हम काट लेते हैं और काटने के बाद फिर आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये दो कलम लाए हैं। एक कलम ऐसी से लटके जिसमें बिल्कुल हल्का सा बड स्टार्ट हुआ है, एक ये एक ये। वैसे अगर आपको इस तरह की बड वाली कलम मिल जाए तो बहुत बेहतरीन रहती है। और एक हमने ये सिलेक्ट किए, इसमें थोड़ा सा ज्यादा निकल आया लेकिन ये भी चल जाएगी। क्या करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, पानी में, अगर अभी अभी तुरंत की हम कलम लेके आए हैं तो इसको एक घंटे तक पानी में डाल दे तो चल जाएगा। और अगर कलम को काटे हुए एक से दो घंटे हो गए हैं तो कम से कम इसको 12 घंटे के लिए पानी में रखना पड़ेगा। क्योंकि हमने अभी अभी कलम काटी है तो इसको हम एक घंटे तक पानी में रख के काम कर सकते हैं। मैं आपको एक घंटे बाद मिलता हूँ। दोस्तों, हम लोगों को करीब एक घंटा हो गया इसको पानी में डाले हुए। देखिए, ये पानी सोखने के बाद बिल्कुल मुलायम और गीली हो जाती है, ऐसे इसको देख लीजिए। तो ये कलम क्या है, आसानी से लग जाती है। अब इसको लगाने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक है काली मिट्टी और दूसरा है कोकोपीट। ये दोनों का मिक्सचर बहुत अच्छा काम आता है तो मैं इन दोनों का मिक्सचर तैयार कर लेता हूँ। ये देखिए, कोकोपीट और काली मिट्टी, ये दोनों का मिक्सचर मैंने इस डिब्बे पे भर दिया। जिस डिब्बे मैं भर रहा हूँ उस पे मैंने छेद जरूर किया, छेद करना न भूलिएगा। अगर आप छेद नहीं करेंगे तो पौधे ज्यादा पानी पाने के कारण सड़ जाते हैं। इसको मैंने इसमें भर दिया है। अब इसमें पानी पूरा मैं इसमें ऊपर तक भरूंगा जिससे पूरा गीला हो जाए। और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि कोकोपीट जो है पूरा पानी सोख के अपनी नमी बना ले। ये देखिए दोस्तों, पानी सोख के कोकोपीट पूरा अपनी नमी बरकरार रखा है और मिट्टी भी इसके साथ मिल गई है। अब अगला अपना प्रोसेस है कलम लगाने का। कलम लगाने के पहले हमको नीचे का थोड़ा सा हिस्सा कलम का छीलना होगा। बिल्कुल हल्का सा हम ऊपर की छाल को इसको छील देंगे, ये इसको छील दिया है, ऐसे इसको भी छील देंगे। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, एलोवेरा जो है रूटिंग हार्मोन का काम करता है तो इसमें हम थोड़ा सा एलोवेरा लगा देंगे। जी, एलोवेरा लगाने के बाद इस कलम को डायरेक्ट इसमें हमको लगा देना है। लेकिन मिट्टी इतनी मुलायम है कि ये आराम से लग रही है। करीब इसको 3 इंच तक हमको नीचे गाड़ देना है। इसी तरह इसमें भी हम एलोवेरा लगा देंगे। जी, और इसको भी बिल्कुल सीधा इसमें 3 इंच तक गाड़ देंगे। और इसको गाड़ने के बाद हम इसको पन्नी से ढक देंगे कुछ इस तरीके से। और
और पानी अभी दो दिन तक नहीं देना है कि दो दिन तक इसको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर दो दिन बाद थोड़ा थोड़ा पानी देंगे। और देखिएगा ये मात्र एक हफ्ते में बिल्कुल इस तरह की पत्तियां हो जाएंगी जिस तरह की ये हुई है। तो ये सबसे आसान और इजीएस्ट तरीका है कलम लगाने का। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीचे जो इसको डायरेक्ट धूप की रोशनी में नहीं रखना है, इसको छाया में ही रखना है जब तक कि पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता। और आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पत्तियां निकलने के बाद भी कुछ लोगों के पौधे सूख जाते हैं क्योंकि नीचे दीमक या फंगस का अटैक हो जाता है, तो उससे बचने के तरीके बताऊंगा जिससे आपकी कलम लगने के बाद भी पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे और उसमें फूल भी जल्दी आए। तो आगे के और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे हम मोटिवेट हों और आपको आगे की नई नई जानकारियां देते रहें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मैं आगे और भी चीजें आपको नई नई बताने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों।